राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे, बाकी आप अपने सपने पूरे कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सब्जी मंडी के लिए निकला हूँ जस्ट अभी, और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया और सबसे पहले गेहूँ बेच के आया। 26 किलो गेहूँ थे सुबह सुबह, तो गेहूँ बेचे हुए इकट्ठे हो गए थे, तो 600 रुपये गेहूँ निकले। दोस्तों यार, पुराने ज़माने से ही एक परंपरा चली आ रही है कि इंद्र देवता को यदि पानी नहीं आ रहा है तो इंद्र देवता को मनाते हैं, और गांव के बाहर सभी लोग रोटी बनाते हैं अपने कुएं पे, खेत पे, जहां पे भी, लेकिन घर में नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे गांव में भी आज लगभग आज गांव के बाहर रोटी बनाएंगे सब लोग, क्योंकि हर गांव में हो गया। इधर तलेन, जबरदी, अमलार, फुलपुरा, रामपुरिया, बुरदा, सेवाजपुरा, सब तरफ गांव के बाहर रोटी बन चुकी है। बाकी हमारा गांव रिया, तो हमारे गांव में भी आज गांव के बाहर रोटी बनेगी। लेकिन नेट पे तो दोस्तों 6 तारीख को पानी बता रहा है, 60% 70% बारिश बता रहा है, क्या कर सकते हैं का कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि देखो पोल्यूशन इतना हो गया है, प्रकृति का जो बैलेंस है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। जब चाहे जब पानी आ रहा है, गर्मी में, इस बार तो गर्मी में गर्मी नहीं लगी, पानी पानी आया, अप्रैल मई महीने में पानी बहुत आया। तो यार पानी का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकृति के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है अपने प्रकृति का, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। अब वो सोयाबीन लोगों की सूखने लग गई है, बहुत सारी सोयाबीन इतनी ख़राब होने कंडीशन में आ गई है कि बता नहीं सकते। कुछ लोगों ने खेतों में पानी भी चला दिया है, क्योंकि सोयाबीन सूख जाएगी, पानी डालना ज़रूरी है, पानी चला दिया लोगों ने। बाकी दोस्तों, गांव बाहर रोटी बनेगी आज, तो मतलब दाल बाटी सब जगह पे। तो आज धनिया वगैरह ज़्यादा लाना, धनिया मिर्ची, है ना। बाकी ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। तो देख सकते हैं आप प्रकृति का नज़ारा। मॉर्निंग में बहुत शानदार वातावरण रहता है, शांत वातावरण रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कितना शानदार वृक्ष है, आम का पेड़, उधर चंदा मामा। अभी सूर्य उदय नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था आज गेहूँ बेचने के लिए। चलो दोस्तों, निकलते हैं सुजानपुर मंडी के लिए। अरे नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिस है तो मिटा लो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सब का वतन है, संभालो इसे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल रोना ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। करता था सो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोड़ा बोया पेड़ बबूल का तो अम्बुआ कहाँ से खाए। दोस्तों चलते हैं इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मंडी के लिए। दोस्तों आपका भाई आईटी सब्जी वाला लक्ष्मण निकल चुका है सब्जी मंडी के लिए सब्जी लेने। बिल्कुल स्लो मोशन में गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों, बहुत स्लो गाड़ी चल रही है मेरी, 25-30 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, स्लो स्लो। दोस्तों गाड़ी तेज चलाना हानिकारक है, क्योंकि मोबाइल हाथ में है ना। जीना है तो बस के जियो, जीवन में एक पल रोना ना। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान भी पहुंच जाएंगे दोस्तों, जब लक्ष्य बढ़ा लो सीने में, लक्ष्य बढ़ा लो सीने। नगर पालिका परिषद सुजालपुर आपका हार्दिक स्वागत करती है। दोस्तों गोभी बहुत पेल का है, सब्जी मंडी में देख सकते हैं आप लोग, गोभी गोभी का ढेर लग रहा है। दोस्तों फाइनली जबरदस्ती से आ गया हूँ मैं, बढ़िया गंवाए आज लगभग 20-21 किलो गंवाए होंगे। बाकी दोस्तों सब्जी बच गई यार, सब्जी डेली बच रही है, चौली बची है, गोभी बची है, टमाटर बचे 5-7 किलो, और दोस्तों बची है ककड़ी, और बाकी पालक बचा है। बाकी सब्जी में अदरक वगैरह मिर्ची वगैरह सब बिक गया है ना दोस्तों। बाकी बहुत सारी सब्जी गाँव में आ गई है ना, इसलिए सब्जी कम बिक रही है, और ऊपर से सब्जी सस्ती हो गई तो लोग ज़्यादा बेचने लग गए, और सस्ती और कम बिक रही है। बाकी हो जाता है, कोई बात नहीं, अपना काम हो रहा है ना।
बाकी थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।